लगभग दो माह से चल रही मणिपुर हिंसा के संदर्भ में राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि अब सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाया जाएगा। इस प्रकरण को लेकर हमारे मिलक से संवाददाता विकास वशिष्ठ ने डॉक्टर नीलेश रस्तोगी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा से मणिपुर हिंसा के संबंध में विस्तृत बातचीत की। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक परिचय जाए कि कौन किससे बात हो रही है। आप अपना परिचय दीजिए पूरा पूरा। मैं डॉक्टर नीलेश रस्तोगी जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा संगठन से हूँ। हमारा संगठन पिछले 16 से 17 सालों से समाज हित में, देश हित में कार्य करता आ रहा है। जी तो डॉक्टर साहब, ये जो हिंसक दृश्य जो मणिपुर में हो रहा है, मारकाट चल रही है, दो समुदाय में एक दूसरे को मारा जा रहा है, इसमें धन हानि जन हानि दोनों हो रही है, इस संबंध में आपको क्या कहना है, मतलब क्या कदम उठाने जा रहे हैं अपने संगठन की ओर से? देखिए, इस देश में जो भारत की एक अखंडता है, उसको अगर किसी भी कोई भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति अगर उसे खंडित करने का प्रयास करता है तो हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में जो मणिपुर में पिछले दो माह से हिंसा हो रही है, आप सभी लोग न्यूज़ चैनल में देख भी रहे होंगे कि मैती समुदाय और कुकी समुदाय में आपस में जो विचारों का एक मतभेद शुरू हुआ और उसे शुरू में ही ना सुलझा के उसे इतना आगे बढ़ा दिया वहाँ की सरकार ने कि वो एक दूसरे की जान लेने पे आपदा हो गए हैं। और ये दो दिन की कहानी नहीं है, ये पिछले दो महीने से हो रहा है। और इसी संदर्भ में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपने संगठन की ओर से एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे हमने गुजारिश की है कि कृपया इस विषय में शीघ्रता से कोई निर्णय लेकर या तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वो तुरंत वहां पर कोई शांति व्यवस्था के लिए कार्य करे। तो आपका प्रतिनिधि मंडल मतलब कितने सदस्य जाएंगे वहां, कौन कौन जाएगा, हमने कब आपका जाना हो रहा है? राष्ट्रपति महोदय से पत्र में गुजारिश भी की है कि हमारे एक प्रतिनिधि मंडल उनसे भेंट करने की इच्छा रखता है क्योंकि उज्जवल देश के लिए युवा ही कार्य कर सकता है, तो उस युवा की आवाज बनकर, उस युवा की शक्ति बनकर हम उनसे मिलना चाहेंगे, जिसमें हम 3 से 5 लोग जितने की अनुमति होगी उतने वहां पहुंचेंगे। एक इसमें मुख्य हमारे पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं संगठन के, उन्होंने इसी संदर्भ में ह्यूमन राइट कमीशन में एक एप्लीकेशन भी डाली है कि वहां पर जो हमारे मानव का एक अधिकार, जो एक मूल अधिकार है किसी भी मानव का इस संसार में, वो है जीने का अधिकार, वो उससे वहां छीन लिया जा रहा है, उस पर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई है। जल्द ही NHRC भी इस ओर एक्शन लेगी। इसलिए सभी युवाओं से मेरा एक यही गुजारिश है कि आप अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक के माध्यम से मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए स्टॉप मणिपुर हिंसा, स्टॉप मणिपुर वायलेंस #, इसको आगे सपोर्ट करें ताकि इस देश में शांति बने रहे, सौहार्द बना रहे, इसी की मैं कामना करता हूँ।